स्टूडेंट्स, आज का जो स्पोकन क्लास है वो एकदम बेसिक से लिया गया है और बेसिक सेंटेंसेस भी है जिसका प्रयोग जनरली करते हैं और बहुत छोटा छोटा सेंटेंसेस है, आपके सुविधा के अनुसार है और कहीं भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी ढंग से रखा गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको देख करके, सुन करके और अपने ढंग से इसके अन्य कई वाक्य, एक ही वाक्य के आधार पर कई वाक्य बना बनाकर आप इसको स्पष्ट कर लेंगे, आप इसको क्लियर कर लेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा आया। और मैं बताना चाहूं कि ये जो सेंटेंस है, मैं समझता हूं ये सेंटेंस की हिंदी आप पहले से भी जानते रहे होंगे, सिर्फ इसको हम सजा कर लिख दिए हैं ताकि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, आसान हो और इसको हम प्रयोग करेंगे और ऐसे धीरे 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 हम एक बार बहुत बड़ा एक कलेक्शन कर लेंगे और तब बोलना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो आज का जो क्लास है एकदम बेसिक क्लास जिसको मैं कर रहा हूँ, ऐसे ये तीसरा क्लास है, लेकिन तीसरा ये इससे दो पहले जो क्लास था वो थोड़ा लंबा लंबा वाक्य था, लेकिन आज का जो क्लास है एकदम बेसिक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला वाक्य देखेंगे, कम हेयर, यहाँ आओ। नॉर्मल ढंग से किसी को बुलाते हैं, कम हेयर, यहाँ आओ। अगला है, गो देयर, वहां जाओ। किसी को किसी चीज के लिए भेजना चाहते हैं, गो देयर, वहां जाओ। तो कम हेयर, यहाँ आओ, गो देयर, वहां जाओ। तो बच्चों, मैं समझता हूं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी इजी वर्ड है, इजी शब्द है, सेंटेंस है। आगे देखिए, जल्दी आओ बोलते हैं, जल्दी आओ, कम सुन, सुन मतलब होता है जल्दी, कम सुन, जल्दी आओ, गो सुन, जल्दी जाओ, डू सुन, जल्दी करो। तो ऐसे हो गया बच्चों, यहां देखिए, कम सुन, जल्दी आओ, गो सुन, जल्दी आओ, उसके साथ जाओ, तो गो विथ हिम, मेरे साथ जाओ, गो विथ मी, रमेश के साथ जाओ, गो विथ रमेश, अपने पिताजी के साथ जाओ, गो विथ योर फादर, अपने भाई के साथ जाओ, गो विथ योर ब्रदर। बढ़िया, आसान है, चलिए आगे देखते हैं, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, कम विथ मी, वहां खेलो, प्ले हियर, यहां खेलो, तो प्ले हियर, कितना आसान है। चलिए आगे देखिए, मुझसे बात करो, मेरे से बात करो, मुझसे बात करो, अगर बोलते हैं टॉक टू मी, उससे बात करो, टॉक टू हिम, अपने भाई से बात करो, टॉक टू योर ब्रदर, अपने दोस्त से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड। तो यहां टॉक टू मी, मेरे से बात करो, मुझसे बात करो। अगला है बच्चों, ध्यान देंगे, चुप रहो या चुपचाप रहो, बी साइलेंट, चुप रहो या चुपचाप रहो, बी साइलेंट। बड़ी आसान है बच्चों, मैं समझता हूं कि अगर कोई हिंदी बोले धड़ाधड़ 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 इंग्लिश बोलते चले जाएंगे, आसान है, छोटा है, समय नहीं लगेगा याद करने में, बहुत ही अच्छा वाक्य है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला यह है, धीरे धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, धीरे धीरे जाओ, गो स्लोली, धीरे धीरे आओ, कम स्लोली। तो स्लोली मींस होता है धीरे धीरे और इसके साथ हम जो वर्ड लगाएंगे वैसा वाक्य बनता चला जाएगा। चल, तेज दौड़ो, रन फास्ट, तेज दौड़ो, रन फास्ट। देखिए, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, या मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी। अक्सर हम किसी को बताए भाई मेरी बात तो सुनो, लिसन टू, लिसन टू, लिसन टू। आगे देखिए, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, या मेक हेस्ट, दोनों में से कोई भी हम लगाते हैं, जल्दी करो, हरी अप, या जल्दी करो, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट, जल्दी करो, हरी अप, या मेक हेस्ट, दोनों में से कोई लगाते हो। आइए, ऐसा करो, डू सो, देखिए यहां सो माने ऐसा होता है, इसलिए भी होता है, ऐसा होता है, ऐसा करो, डू सो, ऐसा सोचो, डू थिंक सो, सॉरी, ऐसा सोचो, थिंक सो, ऐसा बोलो, स्पीक सो। तो यहां सो का प्रयोग से हम ऐसे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो यहां देखिए, ऐसा करो, डू सो, ऐसा करो, डू सो, जो मैं कहता हूं करो, डू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं करो, तो डू व्हाट आई से, जो मैं करता हूं करो, डू What I do, जो मैं बोलता हूं करो, do what I speak। तो ऐसे प्रयोग हम इसको करते हैं, इसे करते हैं। अगे, तैयार हो जाओ,
कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है, कहीं क्लास के लिए जाना है, और कहते हैं दोस्तों भाई जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। और इसमें अगर कहेंगे कि जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी सून, सून में जल्दी हम बताए हैं, शीघ्र बताए हैं, अगर इसमें हम कहना चाहेंगे कि जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी सून, जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी सून। हम कहते हैं कुछ पल रुको, कुछ पल प्रतीक्षा करो, कुछ समय प्रतीक्षा करो, तो वेट ए मोमेंट, कुछ पल रुको या कुछ समय प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा या वेट फॉर ए मोमेंट भी लिख सकते हैं, वेट फॉर ए मोमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, वेट फॉर ए मोमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चे आगे देखते हैं, अगर आगे है अस्पष्ट बोलो या अस्पष्ट रूप से बोलो, स्पीक क्लियरली, अस्पष्ट रूप से बोलो या अस्पष्ट बोलो, स्पीक क्लियरली, मत शर्माओ या शर्माओ मत, डोंट साई, अब किसको कहते हैं कि तुम क्यों शर्मा रहे हो, मत शर्माओ, डोंट साई, कृपया मुझे बताओ या कृपया मुझे कहिए, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, तो प्लीज टेल मी। यहां है हल्ला मत करो, शोर शराबा मत करो, दोनों के लिए एक ही बोलते हैं, डोंट मेक अ नॉइस, हल्ला मत करो। नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए या कृपया मेरी मदद करो, सबके लिए प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो या कृपया मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट वाक्य है आई होप सो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, आई थिंक सो। तो यहां देखिए आई होप सो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मैं ऐसा आशा करता हूं। आगे है बच्चों बुरा मत सोचो, डोंट थिंक इल, बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। It is wrong, यह गलत है, वह पागल है, he is crazy word तो बड़ी famous है, वह पागल है, he is crazy। तो बच्चे मैं समझता हूँ ये जो basic sentences बताया है ये बहुत इजी है, जितना हम सोच नहीं सकते, जितना हम कह नहीं सकते हैं उसे ज्यादा इजी है, और मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सब लोग पढ़ेंगे और you all will make sentences on the basis of this structure and these words and these sentences, इस sentences के आधार पर आप सब लोग वाक्य बनाएंगे, बहुत सारे वाक्य बनाएंगे और बोलेंगे और अगले दिन अगला भाग लेकर आएंगे और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश बोलना आसान है और ये मेरा वादा है कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना एकदम निश्चित रूप से सिखा देंगे और बहुत ही इजी वे में। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।